दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ खासकर मास गेनर और वेट गेनर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आकर आ गया है, जो कि ये है कि भाई फेक और ओरिजिनल मास गेनर के रिजल्ट कैसे होते हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप लोग डुप्लीकेट मास गेनर तो नहीं ले रहे, और डुप्लीकेट मास गेनर ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आज आपको दोनों के रिजल्ट के बारे में डिफरेंस बता दूंगा कि भाई दोनों के रिजल्ट कैसे आते हैं, फेक वाले के कैसे रिजल्ट आते हैं और ओरिजिनल वाले रिजल्ट कैसे आते हैं। आज आपको इस वीडियो में दोनों का आंसर मिल जाएगा और इससे आप पता लगा पाएंगे कि भाई आपका जो गेनर है वो ओरिजिनल है कि फेक, नहीं तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली हो सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई लोकल मास गेनर और ओरिजिनल मास गेनर के रिजल्ट कैसे होते हैं, जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ओरिजिनल मास गेनर के रिजल्ट कैसे होते हैं, तब आपको डुप्लीकेट वाले के भी रिजल्ट समझ आएंगे। देखिए ओरिजिनल वाले जो मास गेनर होते हैं उनके रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलता कब आपका वेट गेन हो गया। मतलब कहने का यह है कि आपको उनका बॉडी पर इम्पैक्ट होने का पता नहीं लगता, क्योंकि जो आपके फेक मास गेनर जब आप लेते हैं ना तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने लगता है, और जो आप नॉर्मल मास गेनर लेते हैं उसका रिजल्ट लगभग 3 से 4 दिन बाद बॉडी पर दिखने लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी एक तरह का खाना ही है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई वो कुछ बनावटी है बहुत ज़्यादा, भाई उसके अंदर स्टीरॉयड पड़ा है वो एकदम से बढ़ा देगा। वो आपके फूड से ही निकाला गया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन वगैरह सब चीज़ों का ब्लेंड होता है। वो वही चीज़ होती है जो कि आप खाने पीने से लेते हैं। और जो आपका आर्टिफिशियल गेनर होता है उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके रिजल्ट आपको बता देता हूँ कैसे आते हैं। अगर आप इसका 1 kg मास गेनर खाएंगे नॉर्मल वाले गेनर का, तो उससे आप लगभग नहीं जा तो पता है कितना वेट बढ़ा पाएंगे। 1 kg से आप 1.5 से 2 किलो मुश्किल से मुश्किल आप बढ़ा पाएंगे, मैक्सिमम 2 किलो होता है, वो भी आप पुश करेंगे अपनी डाइट साथ मिलेंगे। और इससे क्या होता है, ये जो आप गेनर लेते हैं, ये वाला गेनर जो डुप्लीकेट वाला होता है, उसमें होता क्या है कि सबसे पहली बात तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूं क्या मिला होता है। मैंने अभी से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि थी डेक्सोना टैबलेट, जो कि मात्र 10 रुपये की टैबलेट आती है और उस वही उस गेनर के अंदर मिला दी जाती है। अब आप सुन सकते हैं वो जो 10 रुपये की टैबलेट है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है आपके लिए। मैंने वैसे बताया कि भाई उससे वेट गेन बहुत तगड़ा होता है, और वो जो वेट गेन होता है ना वो उस टैबलेट का साइड इफेक्ट है, उस 10 रुपये की टैबलेट का साइड इफेक्ट है। तो ये करते क्या है कि जो आपके जिन भी आप जिम ट्रेनर से लेते हैं, जो भी आपके लोकल जिम के ट्रेनर होते हैं, जब भी आप उनसे सप्लीमेंट परचेज करते हैं, तो वो लोग करते क्या है कि उसके अंदर वो वाली टैबलेट मिक्स करवा देते हैं। अब होता क्या है कि वो लोग मिक्स नहीं करवाते, बने बनाए आते हैं जो डुप्लीकेट आते हैं, कभी कभार तो वो लोग भी कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि भाई वो बने बनाए भी आते हैं, तो उनके अंदर ऑलरेडी मिक्स होता है टैबलेट, और भी पता नहीं कौन कौन से टैबलेट हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। ये तो मैंने कुछ गिने चुने नाम बताए, जो यहाँ पर ये है कि भाई ये टैबलेट उसके अंदर मिला देते हैं। तो जब ये टैबलेट मिलती है ना, तो ये जो वेट गेन का टैबलेट आपका फेस वैसे एकदम भर जाता है, बॉडी वॉडी एकदम सूज जाती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन तगड़ा होता है, ये उस टैबलेट का साइड इफेक्ट है। और ये आपको सेम डे से उसके अगले दिन से आपको दिखने लगता है कि भाई आपकी बॉडी में बहुत तगड़ा बल्क आ रहा है, बहुत बढ़िया बॉडी बन रही है। और उस 1 kg के गेनर से ना आप नहीं जा तो 3 से 3.5 किलो के आसपास आप बढ़ा लेंगे। जो एक एवरेज मैंने आपको बताया लोकल ओरिजिनल गेनर से आप 1.5 से 2 किलो मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम मैंने कहा। और वही आप इस वाले गेनर से जो लोकल वाला गेनर है उससे आप 3 से 3.5 किलो बढ़ा सकते हैं 1 kg के गेनर से। तो बंदा वो जब लेता है ना गेनर, कहता है भाई ट्रेनर ने बड़ा तगड़ा गेनर दिया था, उससे बड़े जबरदस्त रिजल्ट आए थे। तो जो रिजल्ट है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो रिजल्ट बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं। वो एकदम से आपके बॉडी में आते हैं और एकदम से चले जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि भाई चीज़ खरीदें तो ओरिजिनल खरीदें। मास गेनर को इसीलिए लोग बदनाम करते हैं, कहते हैं कि भाई उसके अंदर ना ये हो गया वो हो गया, भाई ये जो गेनर ले लिया ना उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो गई, भाई गेनर लिया छोड़ा उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गई, फिर करा वो हो गया, इसके बाद ये हो गया। तो इसी वजह से होता है सारी चीज़ें, केवल आप लोगों की गलती, आप बस जानकारी नहीं रखते हैं। जहाँ आप लोगों ने जानकारी रखी ना उसके बाद आप लोगों के साथ कभी समस्या नहीं होगी। इसीलिए मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। मास गेनर को मैंने समझिए एक जड़ तक खोद दिया इतना ज़्यादा कि भाई आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी चैनल पर। अगर आप देखेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मास गेनर वेट गेनर से रिलेटेड। तो यहाँ पे इसी में धोखाधड़ी होती है, क्योंकि वजन बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो मुश्किल काम होता है तो उस लोग इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को ठगा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। कहते हैं भाई 800 रुपये का गेनर होता है, होता हो कहीं 100-200 रुपये का है, उसमें 10 रुपये की टैबलेट मिला करके आपको कहीं जा करके इतना महंगा बेच देते हैं, उसके अंदर स्टार्च कॉर्नफ्लोर वगैरह मिलाए रहते हैं, बस आप उसको खा लेते हैं। आने वाले टाइम में कुछ दिन बाद अगर आपने उस गेनर को रेगुलर खाया तो आपकी आंतें खराब हो जाएंगी, आपकी डाइजेशन खराब हो जाएगी, डाइजेशन वीक हो जाएगी, आपके एक्ने पड़ जाएंगे, आपके लीवर खराब हो जाएगा, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, सही समय पर भूख नहीं लगेगी, आपका मूड बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, मूड खराब रहेगा, किसी भी चीज़ में काम करने में, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद भी आप जब ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे तो कौन ही बचा सकता है आपको। तो प्लीज़ इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक जानकारी मैंने दिया, आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें। ओरिजिनल और डुप्लीकेट गेनर के रिजल्ट कुछ इस तरह से होते हैं, तो इस चीज़ को आप ना करें। अगर आप लोगों को इस तरह से रिजल्ट
मिल रहे हैं, अगर आप गेनर खा रहे हैं भाई इतना किलो आपने बढ़ा लिया, तो प्लीज़ ध्यान रखें आप लोग कि भाई आपने कुछ ज़रूर गलती करी है, गेनर में कुछ डुप्लीकेशन ज़रूर है। और अगर खासकर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, चेहरा सूज जा रहा है, एकदम गोल हो जा रहा है उस एक किलो को गेनर के खाने के बाद, तो बस समझ लीजिए भाई उसके अंदर कुछ मिलावट है। तो उस गेनर को तुरंत छोड़ दें, उस गेनर को मत लें, दोबारा तो भूल करके मत लें, लेना है तो ओरिजिनल गेनर लेना है, वरना फेक हमें बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और बाकी गेनर के साथ डाइटिंग बहुत जरूरी, जो कहते हैं ना कि भाई डाइट एवरेज चल जाएगी और गेनर अब खा लेंगे, नहीं, एवरेज डाइट नहीं। एवरेज डाइट का मतलब यह है कि आप घर का खाना भी थोड़ा बढ़ा करके खाएंगे तो वो भी बात है, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। गेनर में 450 कैलोरीज आपको एक स्कूप में मिल जाएगी, दो स्कूप लिया 850 कैलोरीज आपको मिल जाएगी, हदों बाद आपने तीन स्कूप ले लिया 1200 कैलोरी हो गया। अब कोई 6.5 फुट का बंदा वो कहे मैं 3 स्कूप गेनर खाता हूँ रोज का, मेरी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहे, कैसे आएंगे भाई? जब उसकी मेंटेनेंस कैलोरी मान के चलिए 3500 कैलोरी और 1200 कैलोरी गेनर से खा रहा है और दिन के बस 4-5 रोटी खा करके बैठ जा रहे, नहीं मिलेगा रिजल्ट उसको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को लेकर के चलना है, अदरवाइज आप लोगों के लिए ये साइड इफेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है और आप अपनी क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से घिर जाएंगे जो कि आपको शायद इस कम एज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे टीनेजर हैं जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो बच के रहें, ओरिजिनल और फेक मास गेनर के रिजल्ट को आप पहचाने इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं तो प्लीज़ उस गेनर को छोड़ें, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।